जो यह पढ़े हनु मान चलीसा, जो यह पढ़े हनु मान चलीसा, हो चालीसा का पाठ करता है 100 बार वह बंधनों से छूट जाता है। बंधन कैसा भी हो छूट जाता है। अच्छा, किसी को बंधन लगा? बिल्कुल लगा। किसको? एक बंधन तो हमने कल बताया था, हनुमान जी ने पहला बंधन शनिदेव का छोड़ा। शनिदेव लंका में रावण के राज्य में बंधन में थे और रावण के राज्य में शनिदेव बंधन में थे और रावण के बंधन से हनुमान जी ने छुड़ा दिया, इसलिए छूट है बंदी महासुख हो। दूसरी बात, और किसी को छुड़वाया? हाँ, आपको सुनकर बड़ी प्रसन्नता होगी कि हनुमान चालीसा की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने बंधन छुड़वाने के लिए ही की है। कब? आहाहा, जब भारत में भारत का राजा अकबर था। अच्छा, हम लोग भी कितने बुद्धू हैं, हम लोगों को अकबर महान पढ़ाया जाता है। अकबर महान नहीं है, प्रभु श्री राम महान है। तो भारत का राजा जब अकबर था, अकबर के पास गोस्वामी तुलसीदास जी की महिमा गई कि तुम्हें पता भी है? बोले क्या? अरे बोले, एक संत हैं तुलसीदास जी, वो बड़े चमत्कारी हैं। उस वक्त तुलसीदास जी ने क्या किया था कि एक मुर्दा को राम राम कह करके जिंदा करवा दिया था, तो पूरी जगह इनकी महिमा व्याप्त हो गई। आहाहा, अकबर को पता लगा। अकबर ने तुलसीदास जी को बुलाया, इधर आओ, हमने सुना आप मुर्दों को जिंदा कर देते हो। मुस्कुराते हुए तुलसीदास जी बोले, देखो भाई, हम जिंदा नहीं करते, भगवान का नाम सोए हुए लोगों को भी जगा देता है, तो मुर्दा कौन सी बात है। बात सही भी है, राम नाम इतना पावन है, तो कोई कितना भी ज्यादा मरा हो, अच्छा मरे व्यक्ति को भी जिंदा राम ही कर सकते। क्यों? क्योंकि मरा का उल्टा होता ही है राम है? मरा हुआ व्यक्ति को जीवित कौन कर सकता? राम। राम क्यों? क्योंकि मरा का उल्टा पढ़ो तो होता राम, और राम का उल्टा होता है मरा। जो राम का नहीं वो मरा है, और जो राम का है वो मरा हुआ भी जिंदा है। हम नहीं कहते, कभी आप चौपाई पढ़ना तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं वाल्मीकि जी के लिए, ए हा उल्टा नाम जपऊ जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान, ए हा उल्टा नाम जपऊ जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान, ए हा श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
गोस्वामी तुलसीदास जी से अकबर ने कहा कि क्या तुम मरे हुए को जिंदा कर देते हो? तो तुलसीदास जी मुस्कुराकर बोले, भैया हम नहीं जिंदा करते, राम का नाम मरे को जिंदा कर देता है, क्योंकि मरा का उल्टा होता राम और राम का उल्टा होता है मरा। बातें मत बनाओ, बहुत बातें हो गई हैं, अगर जिंदा करते हो तो चमत्कार करके दिखाओ, वरना जेल में डाल दिए जाओगे। तुलसीदास जी बोले, देखो अकबर, तुम्हें जेल में डालना हो तो डाल दीजिएगा, लेकिन हम तो कहते हैं हमारे पास कोई चमत्कार नहीं। एक बात बोले, सच्चा संत चमत्कार दिखाता नहीं, भगवान की कृपा से हो जाता है, है? अब हो जाए तो दिक्कत क्या, होने अब हो जाए तो दिक्कत क्या। आहा, राजा अकबर नाराज हो गया, तुलसीदास जी को जेल में डाल दिया, कारागृह में, यातना सहने के लिए। गोस्वामी तुलसीदास जी परेशान नहीं हुए, जेल में जाकर के भी गोस्वामी तुलसीदास जी श्री राम जय राम जय जय राम आंखों में आंसू भरकर भगवान के नाम का जाप करने लगे। एक दिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने सोचा कि ऐसे तो जेल में पड़े पड़े जीवन बर्बाद होगा, क्या करें, हनुमान जी को बुलाया जाए, हनुमान जी आएंगे कैसे। उसी समय गोस्वामी तुलसीदास जी के अंदर सरस्वती माँ की कृपा हुई और 40 चौपाइयों की एक रचना की उसी जेल के अंदर, और यह चौपाई विशेष लिखी, जो सत बार पाठ करे कोई, तुलसीदास जी को अपनी याद आई कि हम तो जेल में हैं, कारागृह में हैं, कौन बचाएगा, छूटे हैं बंदी महासुख होई, छूटे बंदी महासुख चौपाइयों का हनुमान चालीसा लिखा। इस यह चौपाई जो है वो तुलसीदास जी ने अपने लिए लिखी, देर करो ना, हे हनुमान जी अब देर मत करो, आ जाओ, इस पापी अत्याचारी राजा अकबर के कारागृह से हमारे बंधन को छुड़ाओ, छूटे है बंदी महासुख होई, छूटे है बंदी महासुख होई, छूटे है बंदी महासुख होई, और वीर बजरंग बली हनुमान जी से रहा नहीं गया। धन है हनुमान जी, हनुमान जी वानराराम भीषम वानरों के राजा हैं। अकबर के राज्य में कलयुग में तुलसीदास जी को जेल में डालने के कारण वानरों का आतंक फैल गया और पूरे राज्य को तहस नहस बंधनों ने कर दिया। रात को ही आपातकालीन बैठक बुलाई गई, अकबर बोला क्या बात है, इतने बंदर पागल क्यों हो गए। एक विद्वान व्यक्ति बोला, पागल बंदर नहीं तुम हो गए। अकबर बोला, हम कैसे। अरे बोले, जो बंदरों के राजा हनुमान जी हैं उनके भक्त गोस्वामी जी को जेल में डालोगे तो बंदर पागल नहीं होंगे तो क्या आरती करेंगे। अकबर बोला, इतनी खतरनाक शक्ति। व्यक्ति बोला, ये तो सिर्फ डेमो है, ये तो फिल्म की नंबरिंग है, नंबरिंग जल्दी छोड़ दो, अगर पिक्चर चालू हो गई तो होश नहीं रहेंगे, इतने कटोगे, नाक कटेगी और कान कटेंगे। अंत तो गत्वा, रात को ही
अकबर ने गोस्वामी तुलसीदास जी को कारागृह से मुक्त होकर दिया और इस बात से यह चौपाई सिद्ध हो गई। क्या छूट है बंदी महा सुख होई, 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 छूट है बंदी महा सुख होई। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आहा, हनुमान जी ने तुलसीदास जी को बचाया और इस हनुमान चालीसा की रचना भी कहां हुई? जेल में। किस कारण से? बंधन से छुड़ाने के लिए।